हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे 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 राधे। यहाँ से बरसाना से ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए नया चालू कर रहे हैं। बरसाना से निकल रहे हैं गोवर्धन के लिए। देखिए वहाँ दर्शन करेंगे और पैर छाले तो बहुत पड़े हैं, लेकिन अगर हो पाएगा तो परिक्रमा के लिए सोचेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे आगे। वहाँ लोटस टेम्पल है और दुर्गा माँ की काफी बड़ी स्टैचू है, तो वहाँ चलेंगे। बाकी देखिए कैसे बैठे हुए हैं। जर्नी का स्ट्रगल दिखा दो भाई, फंडी पड़ी है। और पीछे देव कितने आदमी, कम से कम निकलेंगे 20-22-23 आदमी तो निकलेंगे। गोवर्धन पहुंच गए, यहाँ पियेंगे चाय पानी और कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर सुबह चलेंगे दर्शन करने। यहाँ मंदिर है गोवर्धन में, परिक्रमा तो शायद नहीं कर रहे हैं, लेट भी हो गया और छाले भी पड़े हैं काफी पैर में, इस कारण से नहीं करेंगे। बाकी चाय पी के फिर मिलते हैं आपसे भाई। मंदिर के पास पहुँच गए हैं, ये रहे पीछे मंदिर और ये रहे हम, और जा रहे हैं दर्शन करने। परिक्रमा नहीं करना ना, नहीं करना, देखते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है, चाहे छोटी करे पर करेंगे। छोटी 10 की है और बड़ी 21 की है, देखते हैं मंदिर दर्शन करने के बाद। मंदिर में दर्शन करने के बाद पता लगेगा, बाहर से हो जाता है क्या। जय हो जय हो, कौन है जी पता नहीं। ये रही मंदिर, अंदर देखते हैं, चलते हैं फिर दिखाते हैं अगर फोन अलाउ होगा तो। गिरिराज महाराज की आरती खत्म हो गई, आरती पे खड़े थे, आरती करके बाकी ये राम जी, शायद राम जी और राधा कृष्ण की मूर्ति है, नहीं राम दरबार है उनकी मूर्ति है। बाकी इनका दर्शन करके फिर चलते हैं परिक्रमा में, शायद करेंगे, पूरा नहीं करेंगे लेकिन करेंगे थोड़ा बहुत। लो हाँ ना में आखिरकार मंजूरी हो गई जाने के लिए। ये परिक्रमा मार्ग में चले गए, लेकिन इस बार स्लीपर पहन के चल रहे हैं भाई, छाले पड़े हुए और चलते नहीं बने के कारण स्लीपर पहन चल रहे हैं। बाकी देखिए क्या होता है, मंदिर पे दर्शन करके बाहर निकल आए हैं। ये यहाँ से शायद कितने किलोमीटर है भाई, 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर तो हो नहीं पाएगा, तो ऑटो वाले अगर होगा तो पूछेंगे, आधा करेंगे इससे चलेंगे। लो भाई ऑटो, पैदल नहीं हो पा रहा तो ऑटो में बैठ के चल रही है अब, बिल्कुल है कि नहीं, करना जरूरी है, आगे चलते हैं। जय जय ले दो प्रभु, डर रहे हैं भाई, गाय गाय बाजा पा रहे हैं, माल लगा दे। गरबा के बीच में ये दर्शन करने आए हैं कोई, कौन सी मान ली कलौटा, प्राचीन मंदिर पूछरी कलौटा, पूछी कलौटा मंदिर है भगवान, ये पीछे दिख रहे हैं। बाकी यहाँ से दर्शन करके चलते हैं फिर से, अभी बीच में रुके थे, दर्शन हो गया है, बाकी चल रहे हैं अब, क्या बोलते हो अब। बाकी ये कान्हा जी की मूर्ति फिर से, इनका भी दर्शन करके चलते हैं फिर। ये रहे पीछे, काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं वैसे। गोवर्धन परिक्रमा के बीच में जा रहे हैं हम लोग, राधा कुंड के दर्शन करने, और कृष्ण कुंड भी है ना। हाँ राधा कृष्ण कुंड है, वहीं जा रहे हैं दर्शन करने, आपको कुछ दिखाते हैं। ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि ये वो स्थान है जहाँ राधा जी और कृष्ण जी का मिलन हुआ था। बाकी भाई पहली बार तो वहीं चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे है, आपको भी दिखाते हैं फिर। ये रहा राधा कृष्ण कुंड, जो जहाँ पे राधा कृष्ण मिले थे, बाकी यही है, यही है ना राधा कृष्ण कुंड। ये राधा कृष्ण कुंड है, आगे कृष्ण कुंड है, ये राधा कृष्ण कुंड है, राधा कुंड के दर्शन करें आप, उसके बाद कहाँ पे है कृष्ण कुंड, कहाँ पे इसके आगे है। बाकी ये बोल तो रहे हैं यार राधा कृष्ण कुंड, और बाकी कृष्ण कुंड अलग से है क्या, लगता है देखते हैं चल के, आपको भी दिखाएंगे फिर।
और ये रहा कृष्ण कुंड, इधर ये राधा कुंड हो गया, इधर पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, बाकी ये कृष्ण कुंड हो गया, दोनों अगल बगल ही हैं, यहीं पे तो मिले थे राधा जी और कृष्ण जी। बाकी कौन सा है अभी, क्यों ये वो मानसरोवर कोई कुंड है शायद। बाकी आप मंदिर चेक करो, क्या कितनी सुंदर लग रही है भाई साहब। अभी शायद बंद हो गए, घूमने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या रीजन है, जाएंगे नहीं अंदर, बाहर से देख रहे हैं कैसा है क्या है। कौन सा है बे, कैसे भर गया था इसके अंदर, पता नहीं कुछ रीजन, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। बाकी कैसे खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, शानदार। कोई राधा रानी के मंदिर है बीच में, काफी शानदार दिख रहे हैं। बाकी पंडित जी बैठे हैं इधर, और ये भी राधा रानी की जो वीडियो है, बाकी यहाँ आए हैं कलावा बनवा रहे हैं, देखिए प्रसाद लेते हैं पंडित जी से, फिर चलते हैं यहाँ से। वीडियो लाओ नहीं है, फोटो नहीं, वीडियो ले रहा, वीडियो लाओ नहीं है, चलिए वीडियो अलाउ नहीं, बंद करते हैं यहीं पे, भैया बोल रहे हैं नहीं है। गोवर्धन महाराज, ये गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हैं कुछ, इनका आशीर्वाद जरूर ले लें, आशीर्वाद लेके चलते हैं। ये पहाड़ी है पूरा, इधर देख लो, काफ़ी हर दिन मतलब बोलते हैं कि प्रतिदिन ये किसी राई के बराबर छोटे होते जा रहे हैं। ये भाई आ गए मानसी गंगा और गिरिराज महाराज जी के मंदिर के अंदर, अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से वैसे, अब देखो अंदर कैसा है। वो भाई अच्छा भी है, शानदार दृश्य है यहाँ पे, देखो मंदिर नहीं पूरा वही दिख रहा है, शानदार यार। ये मानसी गंगा है, यहाँ नहाते भी हैं, बोलते हैं नहा लो अपना दर्शन कर लो जो भी है। भाई बंदर सो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है यार, शानदार दिख रहा है, देख लो दिख रहा है ये सो रहा है यहाँ पे। बाकी यही है मानसी गंगा, यहीं पे नहाते हैं, बोलते हैं नहा लो, काफ़ी पवित्र होता है, खड़े हो गए यहीं पे, नहाना हो नहा लो, क्या बोल नहाओगे अबे, नहाएगा ओए ओ बेटू, नहाएगा साला, बोल नहीं जा, नहाएगा और नहाएंगे आप देखियो यार, नहाएंगे आप, चले चलते नहाते हैं। अच्छा तो काफ़ी लग रहा है नहाने, ये आगे कुंड है, ये पानी है, यहाँ पे नहाने का मन तो कर रहा है, ये नहाने के बोल ही रहे। बाकी एक उधर वो बंदर सो रहा है, ये रहा, और एक यहाँ पे कितना प्यारा दिख रहा है यार, और भी हैं लेकिन सो थोड़ी रहे हैं। जय हो गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज हैं और ये रहे कृष्ण भगवान, नहीं मानसी गंगा, ये पर्वत, ये पत्थर है वही गोवर्धन के पत्थर हैं, बाकी ये सारे इधर जो दिख रहे हैं ये भी शायद गोवर्धन के पत्थर हैं। बोलते हैं कि अगर गोवर्धन के पत्थर लेके जाओ तो तुम जा नहीं पाओगे घर तक, तुमको वापस आके वहीं रखना पड़ेगा, यहाँ की पता नहीं। और इधर भी गिरिराज महाराज हैं, ये सामने दिख रहे हैं, बाकी भैया लोग नहला रहे, मैं भी थोड़ा सा नहला लूँ। मंदिर परिसर है चारों तरफ, बाकी राधे राधे, जय गिरिराज महाराज की जय हो। से निकल रहे हैं भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, होली बना दीजिए और क्या नीचे अंडर प्रोसेस चालू हुआ है गाय के, यहाँ से गोवर्धन से वृंदावन के लिए जा रहे हैं। बाकी हम ऑटो देखे भैया, पूरा नागे नहीं बना देंगे क्या करते हैं, राजे राजे में ताली बजता है देखे गाँव दूसरी न जाए।
20 रुपए 30 रुपए 30 बोल दे प्रेम मंदिर बंद हो गई है, देखो कल समय मिलेगा तो आएंगे इसमें। आगे तो 8 रुपए फुल चल रही है।